हाँ जी लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग जा रहे हैं छोटी पचमढ़ी, जो समथिंग 50 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। जैसा कि आप लोग को लास्ट वाले व्लॉग आपने देखा था कि हम गाड़ी सर्विस करवा चुके हैं, लेकिन इसकी चेन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। अब समझ नहीं आ रहा वो क्या हो गया है। तो अभी इसको इतना लंबा लेके जा नहीं सकते अपन, नहीं तो पता चला अगर चेन वेन टूट गई तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो आज हम लोग जाने वाले हैं NS160 से, और हमारे साथ है नत्था और आशु भाई। राइड शुरू करते हैं। हमारे साथ एक बाइक है, सेम सेगमेंट की गाड़ी है, तो कोई दिक्कत भी नहीं जानी है भाई। समथिंग 6 बजे हम लोग उठे थे और अभी टाइम हो रहा है 7:30। 50 किलोमीटर है तो 1-1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे, और मौसम काफी अच्छा है, हल्की हल्की सी ठंडी लग रही है। तो नत्था भाई का हेलमेट बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन नत्था का हेलमेट नहीं है, आशु का हेलमेट है। पीछे आशु बैठा उसका हेलमेट है। अपना तो मैट ब्लैक ही अच्छा है भाई, अपने बड़ा सेक्सी सा लगता है। इसमें 5 ही कह रहा, मुझे 6 गियर कह रहा था, तो मैं बार बार थर्ड वगैरह लगाने की कोशिश में लगा हुआ। देखते हैं कि छोटी पचमढ़ी है एक्चुअल में कैसी। ये हलाली डैम पर है, हम लोग जाके घूम के आते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं। वहाँ पे वाटरफॉल वगैरह है, मैंने फोटोज वगैरह में देखा हूँ, फिर उसके बाद बताएंगे। अगर बढ़िया हुआ तो जाइएगा, बढ़िया सेफ है नहीं है क्या है वहाँ की कहानी। ठंडी है भैया, अरे ठंडी है, टीडिंग टीडिंग। कहीं नाश्ते वास्ते की लाइन देखनी पड़ेगी भैया, कुछ खाए पिए नहीं है वैसे भी, उड़ गए सुबह सुबह बस। तो बाकी बाइक ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 9,000 किलोमीटर ही चली है, 9,500। हमारा प्लान है कि हम 12 बजे से पहले रिटर्न हो जाएंगे। महाकाल का आशीर्वाद अगर हमेशा ऐसे ही अपने साथ बना रहा, बढ़िया बढ़िया अलग अलग गाड़ियों में मोटर ब्लॉक करेंगे। कभी 600 भी आ सकती है, कभी 1000 भी आएगी। मेरी एक आदत है, क्या है कि मैंने पेट्रोल डलवाया तो पर्स मैंने अपने पीछे वाले जेब में रख लिया। तो आप लोग भी कोशिश करें हर 2-3 मिनट में अपनी पॉकेट्स पे हाथ रखते रहें बार बार, है ना। मैं अपनी पीछे वाली पॉकेट पे हाथ रखता हूँ चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। फोन वाले पॉकेट में बार बार हाथ रखता हूँ कि हाँ भाई सब सही है कि नहीं। थोड़ी सी इरिटेटिंग हो सकती है स्टार्टिंग में आपके, लेकिन एक बार आपकी आदत हो जाएगी ना भाई, तो आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। इन केस गिर जाता है कोई चीज आपका, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि डेली वगैरह पैंट पहनते हैं अपन, तो चीजें गिर जाती है जेब से, पता नहीं चलता है। तो ऐसे जो चेक करने की आदत रहती है ना आपकी, उसमें आप लोग सेफ रहते हैं कि हाँ भाई अगर गिर गया तो हम तुरंत पलट के ले सकते हैं। अगर बिल्कुल ही सेफ रहना भाई, तो मेरे जैसा एक साइड बैग ले ले अच्छा वाला, और उसके अंदर अपनी सारी चीजें रखें और जाने दीजिए। रोड थोड़ी सी खराब हो गई है भाई साहब। बाकी एक चीज है यार, बाइक सर्विस होने के बाद है ना काफी सारी चीजें बदल जाती है, काफी सारी चीजें। एक सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आता है कि भाई मेरी गाड़ी में बिल्कुल नई हो गया, नया इंजन डल गया है, तो मेरी गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे ऑयल पतला होते जाता है, इंजन में से आवाज़ बढ़ते चली जाती है, और जैसे ही आप सर्विस करवा लेते हैं तो भाई बिल्कुल इंजन एकदम साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। जब मैंने सर्विस करा के गाड़ी निकाला तो अलग ही फील हुआ कि हाँ भाई इंजन के अंदर एक बेस है, वो खचखच कुछ कुछ कोई साउंड नहीं है, लेकिन पता नहीं अब वो खचखच चेन वाली आवाज़ कहाँ से आ गई यार। हो सकता है कि मुझे चेन पॉकेट चेंज करवाना ही पड़ेगा। हमारे ग्रुप में तो भाई लगभग सबको आदत है हेलमेट पहन के चलाने की, नत्था को भी आदत है हेलमेट पहन चलाने की, आशु को भी आदत है, लोगों ने सबने अच्छे अच्छे हेलमेट इसलिए लेके रखे हुए। तो भाई हेलमेट इतना प्यारा खरीदो कि आपको बार बार मन करे उसको साथ में लेके जाने का। और भाई हेलमेट की केयर कीजिए, बिल्कुल हैंडल विद केयर वाली केयर, आप उसको आराम से रखिए, उसको गिराए नहीं, उसको कहीं फेंके नहीं। हेलमेट के साथ लापरवाही करते हैं, गिराते पड़ाते रहते हैं, तो उनमें क्या है कि भाई क्रैक आ जाते हैं, तो वो जो क्रैक है वो कोई मिस हैपनिंग में क्रैक बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हेलमेट को सेफ रखिए जितना ज्यादा हो सके। स्क्रैचेस वगैरह थोड़े बहुत चलते हैं, लेकिन भाई गिराइए पड़ाइए मत उसको, रखिए सेफ जोन में रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है वो। अभी बिल्कुल प्रॉपर धूप आ चुकी है और ठंडा ठंडा माहौल खत्म हो चुका है भाई। और यहाँ क्या बन रहा है भाई, वो बड़ा गजब मेगा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है यार। गोप्रो जी सही सलामत रहिएगा। क्या है कि डर लगता है यार भैया, गोप्रो से नीचे लगा हुआ ना तो मैं देख नहीं पाता हूँ गोप्रो जगह पे है कि भी नहीं, तो मैं बार बार टच करके देखता हूँ कि हाँ भाई सही सलामत हो ना, क्योंकि जुगाड़ तो एमसील का ही किए ले अपन। ओहो बिल्कुल स्ट्रेट रोड सामने, अरे सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। हाँ हाँ हमें पता है, हम अच्छा नहीं गाते, लेकिन गाना गाते रहो, मस्ती करते रहो। कब तक चुपचाप गाड़ी चलाओगे ब्रो? अभी टाइम हो गया है 8:06, हमें आधे घंटे से ऊपर हो चुका है बाइक पर बैठे हुए नाश्ते की तलाश में फिलहाल, तो हम और हमारे दोनों दोस्त इधर पे। नाश्ते की क्या लाइन है भैया, है नाश्ते की लाइन है। तो हाँ जी भाई साहब, हम लोग बस कुछ ही किलोमीटर दूर है छोटी पचमढ़ी से, हलाली डैम बस पहुंचने वाले हम लोग। क्या हुआ कि नाश्ता वगैरह हमने किया, फिर वहाँ पे मैंने अपना गोप्रो चेक किया तो वो सिर्फ 34% बचा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, जब थोड़ा बहुत अपन पास में रहेंगे उस जगह के, उसके बाद मोटर ब्लॉक फिर से स्टार्ट कर लेंगे। बस अब वहाँ पहुंच जा रहा भाई, पानी मिल जाए झर रहे, और अगर पानी मिल गया तो अरे भाई साहब मजा आ जाएगा फिर तो। आपके भाई लोगों ने नहाना है पेल के, टाइम हो चुका है 9:04। अरे छोटू मोटू
भाई थोड़ी सी स्पीड कम ही कर लो, कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी अगर, क्योंकि देखो भाई वो तो जानवर है, बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में अगर आपकी गाड़ी के नीचे आ गया तो भाई अच्छा नहीं लगेगा ना यार। तो कर लो कि कम स्पीड, अब इतने बम्पर्स बने हुए तो ये भी समझ लो भाई एक बम्पर और आ गया इसलिए स्पीड कम कर ली। मैं तो कहूंगा भाई सेफ राइड करिए, सेफ ड्राइव करिए, आप भी सेफ रहिए, जो भी चीजें आसपास है आपके वो भी सेफ रहे। भाई बस 5 किलोमीटर बचा हुआ है यार, इन्हीं रोड्स पे मजा आता है, इन्हीं रोड्स की फीलिंग है भाई, इन्हीं रोड्स पे अगर अपन अपने राफेल ला रहे होते तो भाई तो मजा ही था। अरे यार बिल्कुल पतली पट्टी है पता है, अगर गलती से आपने लीन वीन की और कोई सामने से आ गया ना भाई तो इमोशनल डैमेज, वही वाली कहानी है भाई। जो हलाली डैम है वहां पर अपन आ चुके हैं, पता नहीं अभी रोड कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये रोड कहाँ, अरे भाई साहब ये तो पूरा ऑफ रोडिंग है, देख गया जी डैम, देख गया जी है भाई साहब, लोकेशन तो है बिल्कुल नीला नीला पानी है भाई, नीला नीला आसमान है, बिल्कुल मजेदार फीलिंग है, कुछ भी कहिए भैया। इधर पूरा पानी है, इधर पूरा जंगल है, हुई 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 हुई। नीचे मछली पकड़ रहे लोग शायद, अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, लगता है यहाँ से नीचे है वाटरफॉल, लेकिन अगर यहाँ से नीचे हुआ तो फिर तो पानी तो है ही नहीं भाई उस तरफ। और यहाँ मंदिर है, जय माता दी, जय श्री महाकाल। वो एक झरना है यहाँ पर, अच्छा अरे यार चलिए ठीक है, नहीं आप यहाँ से आ रहे तो हमको लगा कि आप यहीं के ही होंगे आसपास के, चलो थोड़ा आगे और चल के देख लेते हैं यहाँ। तो देखिए अब रिस्क ले रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पे इश्क मिलेगा या नहीं, मतलब वाटरफॉल मिलता है कि नहीं। और यार लग रहा है रोड की भाई गाड़ियां वाड़ियां गई होंगी, बाइक वाइक कारोबार यहाँ से, भैया तो बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग है। अबे ये दुख का खत्म नहीं होता है बे, साला रोड नहीं दुख हो गया ये, तनी कहाँ तो जा रहे हैं भाई। इधर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार रात वात के टाइम या शाम वाम के टाइम तो बिल्कुल मत आना यार। और भैया रिटर्न में गाड़ी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी मैं तो ये सोच रहा हूँ, बहुत डेंजर है यार ये तो, जिसको गाड़ी ढंग से चलाने आती ना वही चला है यहाँ पर। और भाई सुन तो बहुत रिस्की है रे, लेकिन भाई ये तो गाड़ियाँ तो सेफ है ना यार, वही तो मेरे को सोचने में आ रहा है भाई, सिंगल ही चढ़ पाएगी भाई। भाई ऐसी जगह में रिकॉर्ड होना जरूरी है, हाँ, इंपॉर्टेंट है। काम का पहले तू जा। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे नहीं रे स्लिप लिप हो जाएगी भाई गाड़ी, अब भी लफड़ा हो जाएगा, चलाएगा पक्की बात है, चल आराम से आराम से। चलना देखते हैं ना भाई, आज तो भाई फुल टू एडवेंचर होगा, क्यों लगता। देख भाई मैं एक बात बताऊं ईमानदारी से, वाटरफॉल ना भी मिले ना तो भी इतनी सारी चीज देखने को मिल गई भाई, एक्सपीरियंसेस तो यही होते हैं भाई। तो भैया वाटरफॉल में तो वाटर है ही नहीं, फॉल ही फॉल है बस। पत्थरों के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा रे। और बंदरों के अलावा ये यहाँ पे ऐसा कुछ लोकेशन है, चलते चले जा रहे हैं हम लोग, लॉक चल रहा है थोड़ा तो नाम पे बिल्डअप तो। अरे नहीं भाई क्यूट लगता तेरा नाम। यार अपन चलते चले जा रहे हैं लेकिन वाटरफॉल का तो नाम निशान नहीं है भाई। अरे सुंदर सुंदर ये जगह, बड़ी सुंदर सुंदर। अलग अलग प्रकार के जानवरों की तो आवाज आ रही है यहाँ से। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो हम जिंदा है। हेलो गाइस, हम लोग जंगल में घूम रहे हैं। और यहाँ पे पहाड़ी आड़ी का तो कोई निशान नाम निशान ही नहीं भाई, ऐसा लग रहा है यहाँ इंसान आते भी है कि नहीं आते। हाँ तो भाई साहब हम जहाँ जा रहे थे वो सफर में क्या हो गया रे, हमारा कट गया भैया, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, कहाँ निकल गए थे, वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ियों पर। वाटरफॉल तो पता नहीं कहाँ पर है, मैप कहीं और दिखा रहा था और जैसी लोकेशन डाला तो नेट ही चला गया। ए, तू आ गया के चल रहे, पचरा रोलो के कहीं गिर गया तो मिलेगा भी नहीं। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हो गया है अपना घूमना घामना और नत्था की FZS पर हम आ चुके। और भाई पोपट अपना कुछ ऐसा हुआ कि झरना तो देखने को नहीं मिला, क्या हुआ था कि झरना हम पीछे ही छोड़ दिए और हम आगे कहीं और जंगलों में घूम रहे थे। होता रहता है हमारे साथ ही, पता नहीं क्यों होता है, बस दिखने में मोटी है लेकिन है बहुत लाइट वेट बाइक। और भैया ये तो अभी अपनी वाट लग जाती यार इसके चक्कर में, तो ये चाह क्या रहे हैं भैया, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। तो भैया बिल्कुल ईटा वाला धूला उड़ा रही है था भाई साहब, 107, 109 के ऊपर गई ही नहीं। तो बस भैया थोड़ी देर में अपन रूम पहुंचने वाले हैं, उसके बाद उठाते हैं अपने Duke 390, सीधा हम आपको Duke 390 पे मिलते हैं।
सो हाँ जी भाई साहब, टाइम हो रहा है 12:37, अब जाते हैं रूम। कोई बात नहीं, अगर अपने को झरना देखने को नहीं मिला तो क्या हो गया, जो चीज मिली नहीं उसको सोच के दुखी होने से कोई मतलब नहीं है, जो चीज मिली है उसको लेके अपन खुश रहते हैं भाई। झरना नहीं मिला तो क्या हुआ, एक मॉर्निंग राइड मिल गई दोस्तों के साथ, बढ़िया अपन ने टाइम स्पेंड कर लिया, एक एडवेंचर मिल गया भाई। लाइफ में ये सब चीजें रहनी चाहिए है ना, सिर्फ घिसी पिटी लाइफ ही नहीं जीना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ होना चाहिए। यही था अपने इस ब्लॉग के अंदर, आई होप थोड़ा सा लंबा ब्लॉग बन गया मैं मानता हूँ, लेकिन भाई एडवेंचर ही उसी हिसाब से था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ब्लॉग। आगे देखते हैं कौन से ब्लॉग में क्या होने वाला है, कब हम जाने वाले हैं, ये चेन वाली प्रॉब्लम के साथ हम क्या करने वाले हैं, जो भी करते हैं आपको सब अपडेट देते रहेंगे। चलिए ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल। Unkissed selfie.